हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, अ फ्लावर हैज़ 20 स्टेमन, एक फ्लावर है जिसके अंदर 20 स्टेमन है एंड ईच हैविंग बायोलोबड डायथिकस एंथर। ओके, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। पहली बात बताई है उन्होंने क्वेश्चन में, दैट इज़ 20 स्टेमन बताए है। फ्लावर के अंदर स्टेमन की संख्या कितनी बताई है? 20। और ईच हैविंग बायोलोबड डायथिकस एंथर। ओके, तो हर एक स्टेमन कैसा है? फिर यहाँ पे जो स्टेमन है वो स्टेमन किससे कैसे बना है? स्टेमन इज मेड अप ऑफ डायथिकस एंथर। आपको पता है डायथिकस एंथर मतलब जिसमें दो लोब होते हैं। ओके, डायथिकस एंथर के अंदर टू लोब्स होते हैं एंड ईच लोब कंटेन टू थीका। हर एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्रामेटिकल देखेंगे तो क्या बोला उन्होंने, 20 स्टेमन है ईच हैविंग बायोलोब्ड डायथिकस एंथर। ये मैंने डायग्राम किसी निकाली है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायथिकस एंथर जिसमें दो लोब होते हैं और टेट्रास्पोरेंजियट कंडीशन है। तो यहाँ पे इफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज़ 4 पोलर मदर सेल। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हैं? फिर माइक्रोस्पोरेंजियम आप अगर काउंट करते हो, ओके, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, ओके, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या क्या बोलेंगे हम, पोलन सैक बोलेंगे। तो पोलन मदर सेल कितने हैं? फिर 4 पोलन मदर सेल बोला ना। इसका मतलब अगर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 कौन है? माइक्रोस्पोरेंजियम कितने है? 4 है। ओके, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितने पोलन मदर सेल है? ओके, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन 4 पोलन मदर सेल। ओके, कितने पोलन मदर सेल है ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर? ओके, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितने पोलम मदर सेल है? 4 पोलम मदर सेल है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर निकाला तो यहाँ पे 16 पोलम मदर सेल आपको आ रहा है। ओके, 16 पोलम मदर सेल आ रहा है। किस में आ रहा है 16 पोलम मदर सेल? स्टेमन के अंदर आ रहा है ना, एक स्टेमन के अंदर आ रहा है। तो फिर 16 पोलन मदर सेल हमने यहाँ पे आंसर निकाला है, 16 पोलन मदर सेल, 16 पोलन मदर सेल हमने यहाँ पे निकाला है। तो आपको पता है ईच पोलन मदर सेल प्रोड्यूस 4 पोलन ग्रेन। ओके, क्या बोला है? ईच पोलन मदर सेल आफ्टर मियोसिस क्या बनाती है? 4 पोलन ग्रेन बनाती है ना, क्या बनाती है? 4 पोलन ग्रेन। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे, अगर ये पोलन मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है और इसमें पहले क्या होता है, फिर मियोसिस वन होता है और कितने सेल बनते हैं? यहाँ पे सेल बनते हैं 2। ओके, कितने बन गए? 2। फिर क्या होता है? फिर होता है मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के बाद कितने पोलन ग्रेन बनते हैं? मियोसिस 2 के बाद बनते हैं 1, 2, 3, 4। क्या बन गए? 4 ये पोलन ग्रेन बन गया ना। इसका मतलब एक पोलन मदर सेल से क्या बन रहे, ईच पोलन मदर सेल आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूस 4 पोलन ग्रेन्स। ठीक है, 4 पोलन ग्रेन्स। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर पोलन मदर सेल की जो क्वांटिटी है वो 16 है और ईच पोलन मदर सेल के अंदर 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। तो इसका अकॉर्डिंग ओके हमने अगर आंसर निकाला है, ओके, तो क्या आएगा आंसर? 16 into 4 दैट इज 64। ओके, 60
4 आएगा एंड ईच स्टेमन प्रोड्यूस ओके मतलब 64 क्या है ईच स्टेमन ओके ईच स्टेमन पोलंग रिंग की संख्या है ना ईच स्टेमन के अंदर पोलंग रिंग की संख्या है तो अपन क्वेश्चन में दिया है फिर नंबर ऑफ स्टेमन कितने हैं क्वेश्चन में आपको दिया है 20 स्टेमन दिए है ना तो आपको अभी आंसर की तरफ जाना है अगर 20 स्टेमन दिया है तो 20 स्टेमन इनटू क्या करना पड़ेगा 64 करना पड़ेगा 64 क्या है पोलंग रेन इन ई स्टेमन है ना ओके पोलंग ई स्टेमन है तो फिर इसका आंसर आ रहा है आपका इसका आपका आंसर आता है 64 इंटू 20 आता है 64 इंटू 20 किया तो आंसर आता है 1280 ये आपका आ गया सॉल्यूशन ये होगा आपका आंसर क्या आ रहा है 1280 क्या है 1280 20 स्टेमन के अंदर ओके जो पोलंग रिंग की संख्या है उसका आंसर आया है 1280 तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आता है डी आता है दैट इज 1280 पोलंग रेन इन द 20 स्टेमन ऑफ अ डायथिकस एंथर ऑफ अ फ्लावर ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।